हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने के सबसे अच्छी मेडिसिन के बारे में, यानी खून साफ करने की दवाई के बारे में, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये जो ब्लड प्यूरीफायर जो ये सिरप है, इसका यूज क्या होता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपके ब्लड प्यूरीफाई ना होने के कारण, यानी साफ नहीं होने के कारण क्या होता है, आपके चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं या फिर एक्ने, कील, मुहासे जैसे इन्फेक्शन होता है, यानी स्किन पे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए इस ब्लड प्यूरीफायर का यूज किया जाता है, यानी सारे साफ़ी सिरप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे बात करें तो इसके अंदर टोटल 28 टाइप्स के ये क्या होते हैं, इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे नीम हो गया, चिरायता हो गया, साना हो गया, तुलसी हो गया। नीम का बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, यानी खून को क्या करता है, शुद्ध करता है। और जो चिरायता है, ये स्किन टॉक्सिसिटी को, जो स्किन पे जो भी टॉक्सिसिटी होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। साथ ही साथ अगर सन्ना का बात करें तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट, यानी अगर आपके पेट में कब्ज जैसी समस्या हो रहा हो या फिर एसिडिटी बन रहा, तो इसको रिमूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये सन्ना बहुत ही यूजफुल होता है। और तुलसी का बात करें तो बेटर ब्लड सर्कुलेशन, या मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बेटर करता है। तो ये मेन मतलब 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है, यानी ये जो सिरप है, ब्लड प्यूरीफायर साफ़ी सिरप है, इसका यूज क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक्ने पिंपल्स को ट्रीट करने में, यानी ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स, जैसे कि आप इमेज में देखेंगे चेहरे पे क्या होता है, फोड़े फुंसी जैसे ये क्या होते हैं, एक्ने निकल जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाता है, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और बात करते हैं फॉर स्किन ग्लोइंग, यानी जो आपके चेहरे को क्या करने के लिए, ग्लो करने के लिए, यानी स्किन को चमकीला बनाने के लिए, चेहरे को चमकीला बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन प्रॉब्लम को भी क्या करता है, ट्रीट करता है। और ये इसको अगर आपके पेट में जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज और अनपच जैसे अपच जैसी समस्या होती है, अनडाइजेशन यानी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसको भी क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे इसके यूज के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज में के बारे में कि कितने मात्रा में आपको इसका यूज करना चाहिए, यानी लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एडल्ट का बात करें, जो एडल्ट पर्सन का डोज है वो 10 ml खाली पेट, यानी बीडी दिन में 2 बार ले सकते हैं, और ये खाली पेट यूज करना चाहिए सिरप को। और नेक्स्ट जैसे फॉर चिल्ड्रेन के लिए बात करें, बच्चों के लिए जो 14 ईयर से अब हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 ml ले सकते हैं, बीडी ले सकते हैं, दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस सिरप के कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि अगर आप इस सिरप को यूज करेंगे तो आपके बॉडी पे शो इफ़ेक्ट शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोजिया यानी जी घबराना या फिर जी मचलाने जैसी समस्या होना, और स्टोमक पेन एंड क्रेम्स यानी पेट में का होना, आपके मरोड़ के साथ पेट में पेन होना यानी दर्द होना, और गैस्ट्रिक इरीटेशन आपके पेट में क्या होना, जलन होना, और साथ ही साथ क्या होना, वैसे गैसिसिटी जैसी समस्या होना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जो कि अगर आप इस सिरप को यूज करेंगे तो आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।